झारखंड में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप भी झारखंड में शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके काम की है। अगर आपके पास बीएड डीएलएड की डिग्री है तो आपके पास सरकारी शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर है। दरअसल झारखंड में पूरे 8 साल के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट होने जा रही है। अभ्यर्थियों के 8 साल का इंतजार अब खत्म होने वाला है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यह अधिसूचना झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक द्वारा दी गई है। अगर आप इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कैसे आवेदन करना होगा, योग्यताएं क्या होगी, कितने पैसे देने होंगे, तो यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। इस परीक्षा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थी ठीक एक दिन के बाद यानी 23 जुलाई से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 अगस्त तक है। ध्यान रहे, आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। इसमें पहली से पांचवी और छठी से आठवीं की अलग अलग शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी। आवेदन करने की सबसे जरूरी योग्यता है आपके पास डीएलएड व बीएड की डिग्री होना। इस परीक्षा के लिए वो अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे जिनके पास बीएड और डीएलएड की डिग्री है। अब आवेदन शुल्क की बात करें तो अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए 700 रुपए से 1300 रुपए तक देना होगा, जिसमें सामान्य जाति, अत्यंत पिछड़ा व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को 1300 रुपए देने होंगे। वहीं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थी को 700 रुपए और आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपए का शुल्क लगेगा। वहीं अगर प्राइमरी और अपर प्राइमरी के टेट के लिए आवेदन करते हैं तो सामान्य, अत्यंत पिछड़ा व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को 1500 रुपए, अनुसूचित जनजाति, जाति व दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थियों को 800 रुपए और आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपए का शुल्क देना होगा। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को आरक्षण का भी लाभ मिलेगा। इसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा और दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी। वहीं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को प्राप्तांक में 7 अंक की छूट दी जाएगी। आवेदन करते वक्त अभ्यर्थी एक बात का ध्यान जरूर रखें कि एक बार आवेदन भरे जाने के बाद दोबारा संशोधन नहीं किया जा सकेगा। बता दें, यह परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी। इसमें हर प्रश्न मल्टीपल चॉइस टाइप होगा और खास बात यह है कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन OMR शीट पर किसी भी तरह की गड़बड़ी, जैसे एक ही प्रश्न के दो विकल्प को चुनने जैसी चीजें करने पर आंसर शीट को रिजेक्ट किया जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए सबसे पहले jackexamportal.in पर जाएं। वेबसाइट पर जाने के बाद JAK JTET के विकल्प को चुनें। JAK TET के विकल्प को चुनने के बाद अप्लाई ऑनलाइन के विकल्प को चुनें। अपने सारे डिटेल्स फिल करें और साथ ही सारे जरूरी दस्तावेज भी अपलोड कर दें। फॉर्म को अच्छी तरह से भर लेने के बाद आवेदन फीस का भुगतान करें। जब आप फीस का भुगतान कर देंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद उसे डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी यह जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।